एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive। 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams। 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास पहरोड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त। BA BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन, तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का। इनम देशराज यादव वक्त उचला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। राट इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने आज 18 मई फन एड फूड विलेज गुड़गांव का भ्रमण किया। राट इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक जले सिंह यादव ने बताया कि 18 मई को फन एंड फूड विलेज गुड़गांव के लिए एक दिन का पिकनिक टूर आयोजित किया गया। बच्चों ने पार्क में वाटर स्लाइड, झूलों और स्विमिंग का आनंद उठाया। डायरेक्टर शिवानी यादव ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार की एक्टिविटीज का होना अति आवश्यक है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक का प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। RPS स्कूल जखराना एफिलिएटेड टू CBSE सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ IIT फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, BEd 2 ईयर एंड BA BEd BSc BEd इंटीग्रेटेड, राजस्थान प्राइवेट ITI, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, राव पीयू सिंह कॉलेज, BA BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, MA हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा RPS के साथ, तो आज प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। खैरथल जिले के ततारपुर थाना अंतर्गत देर रात को बोलेरो इंब्रेजा गाड़ी की हुई टक्कर, कई लोग हुए घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में घायल पंकज कुमार ने बताया कि वे लोग हिंडोन के निवासी हैं और वह अपने किसी रिश्तेदार के नारनोल शोक मनाने के लिए जा रहे थे। तभी ततारपुर के समीप बोलेरो इंब्रेजा गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें करीब 18 से 19 लोग घायल हो गए, जिनको ततारपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ लोगों को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां 108 एम्बुलेंस की सहायता से उनको अलवर लेकर आए, जहां पर उनका उपचार जारी है। साथ ही ब्रेजा गाड़ी में सवार कुछ लोगों को भी चोट आई है, जिनका ततारपुर में इलाज जारी है। घायल ने बताया कि हमारे साथ के कुछ लोगों की ज़्यादा चोटें हैं, किसी की हल्की चोटें हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। मेरा नाम पंकज कुमार है, हम हिंडोन के निवासी हैं। हिंडोन से नारनौल जा रहे थे। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? ये तारपुर से ओलिया की साइड हो जाता है, इधर ही साइड। कहाँ जा रहे थे आप? हम नारनौल जा रहे थे, हमारे रिश्तेदारी में खत्म हो गया था, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? आप कौन सी गाड़ी में थे? हम हमारी बोलेरो पिकअप थी और उधर से ब्रीजा गाड़ी थी। कितने लोग जख्मी हुए? हमारे सभी जख्मी हो गए, थोड़ी थोड़ी सभी ने, कुछ के ज़्यादा चोट आई हैं, कुछ के कम आई हैं। लगभग कितने लोग थे? हम 18-19 लोग थे। हाँ, उधर की सारे लेडीज थी दो। मेरा नाम पंकज कुमार। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में BA BCom, BSc में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, MA में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, MSc में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, LLB BEd BSTC कोर्सेज संचालित। हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी, क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष सुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य
प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान, बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य, आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ऐसी गैंग पनप गई जिसका आज तक पुलिस ना कोई खुलासा कर पाई और ना ही उनको पकड़ पाई। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है कि महिलाओं को बेला फुसलाकर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही मामला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग महिला के साथ हुआ। पीड़ित महिला इंद्रमणि ने बताया कि थाना क्षेत्र डागा भवन की निवासी है। वह कल बाजार में सामान लेने के लिए गई हुई थी, तभी वहां पर वे गैंग पहुंची और महिला को बातों में उलझा कर कहा कि आपका सर पर कोई कीड़ा है। एक महिला ने उनको सम्बोधित करके उनके सर में से 4 सोने के कंगन उनके हाथ से निकाल लिए, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं महिला को नूतेश टाकेज के पास छोड़ गई। इस बात का पता जब महिला के परिजनों को लगा तो मौके पर पहुंचे और महिला को लेकर अस्पताल में गई। वहां पर उनका प्राथमिक उपचार करवाया जा रहा है। घटना सब्जी मंडी के पास की है। महिला के परिजनों ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दी है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ये बताइए पूरी घटना क्या हुई आपको? जैसा ये बता रही है ना, ये बाजार गई थी, चप्पल ले रही थी, अपना मंदिर है सब्जी मंडी के मोड़ पे, उसके सामने दुकान है वहाँ। वहाँ पे मैं बाद में जाके पूछा भी था उनसे, उनके पीछे पीछे एक लेडी भी थी और उस लेडी ने इनको, दोनों ने चप्पल खरीदी। वहाँ से दुकान से जब निकलने लगी तो बोला आपके सर पे कीड़ा चल रहा है, कीड़ा चल रहा है करके उन्होंने हाथ फेरा और उसके बाद ये बोले मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे को हाथ क्या हुआ। बाद में जब इनको होश आया है तब ये वहाँ थी, क्या बोलते हैं आपसे, नूतेश ठाकेज में जो ईजा का जो वो दुकान थी ना उसके वहाँ। हाँ, तो क्या ले गए इनके हाथ की तीन बोलते चूड़ियाँ उतार के ले गए, सोने की चूड़ियाँ थी, 4 सोने की चूड़ियाँ। कितनी कीमत होगी? होगी 2.5 लाख रुपए। तो कितने लोग थे? 3 जने बता रही है, जैसे ये बता रही है कि 3 जने थे। एक तो आपके वो लेडी थी जो इनके साथ साथ चप्पल जिसने खरीदी, एक उसको वहाँ भाई वो बता रही थी भाई है मेरा, और एक कोई बच्चा था 13-14 साल का, वही बोला वो अपने आप को ही बता। जहाँ तक इन्होंने सुना और शुरू का पहले का ध्यान है इनको, उस हिसाब से वो ही अपने आप को बिहार का बता रहा था। और बोला मैं आगरा में किसी टीवी वाले की दुकान पर काम करता था, वहाँ पर मेरे से टीवी टूट गया तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा और वो मैं उनका ये सामान लेके भाग गया है, सामान लेकर के भागा हुआ था, खुद ही अपने आप ही बता रहे। फिर उसके बाद वो कीड़ा कीड़ा करके इन्होंने सिर पे जब हाथ फेरा उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ। घटना कहाँ पे हुई थी ये? आपके कल कहाँ पे हुई थी ये? अपने घंटा घर के बगल में। फिर वहाँ से नीतीश टाकेज के वहाँ तक तो फिर ये वहीं बैठी रह गई और कब के हाथ उतार के ले। क्या नाम है माजी का? नाम क्या माजी का? इंद्रमणि डागा। कहाँ की निवासी है? यही अपने अलवर में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष। क्या करते हैं? मेरा तो अपना आड़त का काम है, अनाज मंडी। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ, सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम, अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and say, come and visit Central Academy Senior Secondary School. Excellent hostel facility. School Chairman Bali Kaka. Director Krishna Kumar Yadav. Anaj Mandi ke piche Ashok Vihar Behrod. महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बोटनी, जियोलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक इनाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, BEd प्राचार्य डॉक्टर सुदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है।
अलवर शहर के MIA थाना अंतर्गत गुदपुरा में दो पक्षों में पुराने रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक दंपति घायल हो गई, जिनका इलाज अलवर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। विजेंद्र ने बताया कि 1 मई को उनके गांव में रहने वाले लोगों में उनकी पत्नी से आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया था। उस बात को लेकर पीड़ित ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। इस रंजिश को लेकर कल शाम को बच्चन सिंह नेमी व उनके अन्य लोगों ने दोनों दंपतियों पर हमला कर दिया, जिसमें विजेंद्र व कमला दोनों घायल हो गई। परिजनों की सहायता से दोनों को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बताइए भैया, क्या नाम है आपका, कहां के निवासी हैं? नाम विजेंद्र है, गाँव गोमपुर है। तो सर हमारे एक तारीख को क्या है, झगड़ा हुआ था उनको समोसा, हमने अभी साजपात रिपोर्ट दर्ज करा ली। बाद में थाने वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में कल जैसे अपने काम जा रहे थे, मैं मेरे काम जा रहा था, उन्होंने 4-5 आदमियों ने जबरदस्ती लेकर मारपीट करी हमारे साथ। तो उसमें वो कहा कि नहीं नहीं ऐसे मकान अंदर बुक हो गए थे, उसके बाद शायद रखता था। तो एक तो उसमें था वो बटन सिंह पुत्र जल सिंह, और फिर एक पुत्र जो बटन सिंह, और एक विमल पुत्र नेमी, और राजू पुत्र मान सिंह, क्या लोगों ने हमला किया। किस चीज ने हमला किया? लाठी और डंडों ने। लाठी और डंडों। कितने लोग घायल हुए? दो लोग घायल हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र। आपकी पत्नी का? कमला। गुरु ने बात सारी बोल दी। ये पीछे पूर्व में झगड़ा किसका हुआ था? पूर्व में झगड़ा हमारे हुआ था। वो खाली कमला कमला का हुआ। छोटी मोटी बातें बोलेगा? हाँ छोटी मोटी बातें बोलेगा। कौन सा आना पड़ेगा? अरे खाना कौन सा खाना? खाना है मैं। कितने बजे घटना कल की? घटना 5:30 बजे शाम। फिर यही चले गए भर्ती कराया? अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र CBSE विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी, 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। JEE मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% CA में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहाँ प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता में उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त DAV स्कूल बहरोड, आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड, ए CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राट क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी, फैसला आपके हाथ। नकली मसाले पर की स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई, जब्त किए मसाले। अलवर शहर स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से नकली मसाले पर कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल ने बताया कि CMHO योगेंद्र कुमार के द्वारा सूचना दी गई थी कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली है कि कैंडलगंज स्थित जैन मसाले पर नकली मिर्च तैयार की जा रही है, जो अभी निकलने वाला है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुँची, जहाँ पर मिर्च पाउडर पिसा हुआ मिला, जो कि बिक्री के लिए तैयार रखा गया था। इसमें स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली कि मिर्ची में कोई रंग मिला हो सकता है, इस पर स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल लिए, वहीं मिर्च को 6 कट्टों में भरकर वहीं रखवा दिए, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बताइए क्या सूचना मिली, क्या कार्रवाई? श्रीमान CMHO साहब के पास कोई सी मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ केडलगंज में जैन मसाला उद्योग में कोई नकली मिर्च तैयार की जा रही है। इसी के तहत तो सूचना मिली कि करीब 8 बजे करीब इनके यहाँ से ये माल निकलेगा, तो हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे। मौके पर एक चक्की के पास करीब 250 किलो ढेरी में लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ पाया गया, जो कि बिक्री के लिए तैयार कर रखा हुआ था।
जिसमें हमें अंदेशा हुआ कि कोई रंग मिला हो सकता है, जिस पर हमने उसमें से मिर्च का नमूना लिया है और बाकी बची हुई मिर्च को 6 कट्टों में रखवा कर जब्त कर दिए, जो कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जैसी भी जो होगी अग्रिम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। सर्वांगीण विकास सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल खिड़की रोड सबलपुरा मोहला बहरू, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंट के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का GPS स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC ST NTSC एवं ओलंपियाड्स, NEET JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे GPS के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। अलवर शहर के NEB थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल कंवर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें पूर्व में भी बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया, उसके पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। से आज आरोपी को अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आए हैं। आरोपी सोनू निवासी बक्तल की चौकी का रहने वाला है, जो कि चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले भी दर्ज हैं। आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। जी सर, बताइए पूरा मामला क्या? पूरा मामला चोरी की वारदातों में लगने ये व्यक्ति जिसको पकड़ के लाए, और इसने कई मुकदमों में पहले भी लाए थाने पे और इससे बरामद भी कर। क्या नाम आरोपी का? आरोपी का नाम सोनू है। सोनू सोनू भगवान सा है, जाति सैनी, उम्र 22 साल, निवासी बक्तल चौकी। तो इसके पूर्व में कितने मुकदमे दर्ज थे? पहले भी मुकदमे दर्ज थाने पे यहाँ 3/25 में भी है, और चोरी के मुकदमों में भी तरीके से वहाँ लेके बराबर है। अब इनको कहाँ से लेके आए? इनको जेल से लेकर आए, प्रोटेक्शन वारंट। आज न्यायालय पेश करेंगे इसको, और इसको वो नहीं है। ठीक है, अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरू, KPS सेंट क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हम से, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गोड, प्रिंसिपल श्वेता गोड, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड, बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष, बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत NEET JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन, साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। माय स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेल, टीचर्स आर वेल बिहेव्ड एंड बिहेव फ्रेंडली विद द स्टूडेंट। इन माय स्कूल देयर हैज मेनी लैब्स, मेनी क्लासेस एंड देयर इज आल्सो स्पोर्ट्स टीचर व्हिच कमांड अस एंड टीच अस अबाउट द स्पोर्ट। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी दिलदार सिंह निवासी बलकत की चौकी को गिरफ्तार किया है। ASI हितेंद्र कुमार ने बताया कि 6 जनवरी 2024 को पुराने स्टेशन रोड पर स्थित एक दुकान में चोरी की वारदात की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक में टीम गठित की थी, क्योंकि आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गया था और उसकी तलाश की गई, जिसको गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
साथ ही आरोपी से चोरी के माल बरामद के प्रयास किए जा रहे हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जी सर, जो आरोपी पकड़ा है, किस मामले में पकड़ा है, क्या मामला है? ये जनवरी 6 जनवरी 2024 को रात्रि को पुराना स्टेशन रोड पे नौकार मार्बल में चोरी हुई थी दुकान के ताले तोड़ करके। इस संबंध में 7 तारीख को प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली पर दर्ज हुआ था। श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब, सीओ साहब और एसएचओ साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। अनुसंधान से एक आरोपी जिसका नाम सोनू उर्फ दिलदार सिंह पुत्र कश्मीर सिंह, जो गत्तल की चौकी का रहने वाला है, सीसीटीवी फुटेज में इसकी ये हरकत रिकॉर्ड हो गई थी। उसको इस आधार पर अनुसंधान में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी भी आइडेंटिफाई हो चुका है, जो दूसरे प्रकरण में स्टेशन रोड पे ही ताले तोड़ने के प्रकरण में जेल में कल दाखिल करवाया गया था। इससे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और बाकी रिकवरी वगैरह के लिए प्रयास किए जाएंगे। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम दिलदार सिंह उर्फ सोनू सिंह राय सिंह, पिता का नाम कश्मीर सिंह, निवासी बख्तर की चौकी। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर वन स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रीतिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्ज्वल भविष्य, जहां नीट आईआईटी की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतरी रोड बहरोड। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्ज्वल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3-8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज, डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्ज्वल भविष्य में सहयोग बने। अलवर राजकीय राजीव गांधी अस्पताल में हुई हर्निया की दुर्लभ सर्जरी। इस सर्जरी में दूरबीन से पेट की दीवार के बीच मांसपेशियों में परत बनाकर डाली गई। जाली नवीन एडवांस लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा जिले का प्रथम ऑपरेशन है। साथ ही मरीज का फ्री में इलाज हुआ। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर योगेश उपाध्याय की टीम ने इसकी सर्जरी की। आमतौर पर बड़े मेडिकल कॉलेज के लेवल पर होती है इस तरह की सर्जरी। निजी अस्पताल में इसका इलाज करीब 1.5 लाख रुपए में होता यह ऑपरेशन। इस विधि से मरीज की रिकवरी भी होती जल्दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान व डॉक्टर योगेश उपाध्याय ने दी जानकारी। नमस्कार सभी को। एक्चुअली में ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई, आमतौर पर जो इंडिया की सर्जरी होती है, एडवांस सर्जरी होती है, दूरबीन के द्वारा की जाती है, वो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में और बड़ी जगह बड़े हॉस्पिटल में की जाती है। खुशी की बात यह है कि हाल ही में हमने यहाँ पर दूरबीन से हर्निया की सर्जरी स्टार्ट कर दी है, प्रारंभ कर दी है। अभी तक हम सभी तरह के दूरबीन से हर्निया कर चुके हैं। दूरबीन द्वारा जो हम ऑपरेशन करते हैं, आमतौर पर जो कि नाभि के चारों तरफ हर्निया होते हैं, उसमें हम आमतौर पर पेट के अंदर सतह पर हम जाली को लगाते हैं। इस नई विधि में, इस विधि का नाम है TARF, ट्रांस एब्डोमिनल रेट्रोमस्कुलर रिपेयर ऑफ द हर्निया। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि पेट की दीवार को दो भागों में विभाजित करके और बीच में सैंडविच की तरह हम सामान्य जाली को लगाए, जिससे कि पहली बात तो यह है कि जो आमतौर पर जो हम जाली लगाते हैं पेट के अंदर, वो काफ़ी महंगी आती है, और ये जो जाली होती है वो उससे कम से कम 10 गुना कम रेट की होती है। तो पहला फायदा तो ये होता है कि इसमें कॉस्ट कटिंग हो जाती है। हमारा जो काम 40,000 रुपये में होने वाला था, 3,000 की जाली में लगा। नंबर दो, उस जाली को लगाने से जो नुकसान होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। अगर अंदर पेट के अंदर हम जाली को लगाते हैं तो उसका सीधा संपर्क वो आंखों से आती है, तो आंखों से चिपकने की संभावना, बाकी के इन्फेक्शन की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस विधि में क्या है, जो कि तारण विधि है, इसका नाम है TARF। इस विधि में हम जो जाली होती है उसको पेट की दीवार में बीच में गैप बना के और दो परतों के बीच में डाला जाता है।
इससे क्या होता है कि सीधा संपर्क मैश का आंखों से नहीं होता, तो इसके होने वाले दुष्प्रभाव जो होते हैं उनसे बचा सकते हैं। तो ये हमने ऑपरेशन किया है जो कि अलवर में प्रथम बार ही किया गया है, और मैं कहना चाहूँगा कि इससे आम पब्लिक को काफ़ी फायदा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसमें कितना खर्चा आता है और अभी ध्यान अगर इस ऑपरेशन को प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में किया जाए तो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक खर्चा में ऑपरेशन और बाहर यहाँ पर निःशुल्क की गई। अलवर में भी नहीं होता? अलवर में अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे अगर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, अभी तक इस विधि द्वारा नहीं हुआ है। बाकी दूसरे अगर कराना होता तो जयपुर या दिल्ली जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब बाकी अब स्टार्ट कर रहे हैं लोग, वो बात अलग है, पर अभी तक तो ये पहला ऑपरेशन है इस विधि को जी। इसमें हम 4 सर्जन थे और 2 एनेस्थीसिया की टीम थी, बाकी असिस्टेंट थे, बाकी 5 एचआर थे। डॉक्टर योगी से बात। टैगोर स्कूल बिचपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, स्कूल डायरेक्टर आर के यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास, चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की। विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। बच्चों पर किया था जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल। अलवर शहर एनीबी थाना पुलिस ने एक 10 वर्षीय बच्चे पर जानलेवा हमला करने वाले मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने के SI अजय शर्मा ने बताया कि 25 अप्रैल को परिवादी त्रिलोक ने थाने पर उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि उस दिन उसका भांजा घर की पानी की टंकी की तरफ खेल रहा था, तभी वहां पर एक व्यक्ति आया और उसके पीछे से एक हथियार कटाशन से बारूद भरकर उसके पीछे से हमला कर दिया, जिसमें 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया था, उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और आज आरोपी अरुण कुमार निवासी ट्रांसपोर्ट नगर को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। मैं अजय शर्मा, ASI थाना एनीबी। दिनांक 26/4/2024 को त्रिलोचन लोहार ने एक रिपोर्ट दी कि उसका भांजा जो ट्रांसपोर्ट नगर में पानी की टंकी के पास खेल रहा था, उसी समय आरोपी अरुण सैनी पुत्र रामू सिंह सैनी के पास हाथ से निर्मित एक हथियार नुमा यंत्र था, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं कटासन, उसमें गंधक पोटाश भरकर उसके हिप के पास बैक साइड में ब्लास्ट किया, जिससे उसके बाई हिप में गहरी चोट आई। प्रकरण का अनुसंधान किया गया। मुंजिम अरुण सैनी को दिनांक 16/5/24 को धारा 307 IPC में गिरफ्तार किया गया है, जिसका PC1 प्राप्त कर उससे कटासन बरामद किया गया। बाद तफ्तीश मुंजिम को न्यायालय पेश किया गया, जिसे न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया। तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSE सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है।
दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। अब आपके शहर बैरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बैरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एम हेल्थ पॉलिसी LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।